वेलकम टू द होम एकेडमी। जो टॉपिक लिया है वो वर्बल रीजनिंग का है। देखिए, रीजनिंग की वीडियोस तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी, बट ये जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है ये प्योरली JKSSB के लिए है। जो मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ये हमारी स्टेट बोर्ड की बुक्स में से लिए गए हैं, NCERT बुक्स में से लिए गए हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वन विच इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर्स। तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन दिए हैं चार, इनमें से हमने ये देखना है कि इनमें से डिफरेंट कौन है। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। देखिए, पहले ऑप्शन को हम क्वेश्चन को देख के हमें क्या लगता है, एक तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें वाउल है AEIOU, तो मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें वाउल नहीं है, बट हमारा आंसर ये नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है? ये हमारी स्टेट बोर्ड की बुक में क्वेश्चन दिया गया है, NCERT बुक्स में से है, तो ऐसे ही मिसकंसेप्शन हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हम ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आपको कोई मिसकंसेप्शन ना हो। देखिए, PO है यहाँ पर, KL है, ये क्या है, अल्टरनेटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स है। जैसे MABCD जब पढ़ोगे, MNOP OP आ रहा है, KL है, क्या है, ठीक है। और ये तीसरा ऑप्शन है जिसमें कोई भी अल्टरनेटिव कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आएगा हमारा, क्योंकि अदर अल्टरनेटिव कंटेंट टू कंसेक्यूटिव लेटर्स। तो हमारा जो ऑप्शन है वो BUDX है। ये क्वेश्चन जो है NCERT से लिया गया है। तो आपको, ताकि कोई भी परेशानी ना हो ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, AEIM BFJN CGKO और DHLQ, ये चार हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा अल्टरनेटिव है। ठीक है, देखिए, इनमें अगर हम सीक्वेंस की बात करें, ए और ई में चार का डिफरेंस, ई आई में चार का डिफरेंस, ठीक है, मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ, ABCD, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ ना, तो ये एक एक हद है 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है ऐसे एग्जाम्स में। देखिए, ए और BCD में तीन बीच में है, मतलब चार का डिफरेंस है। ई और आई में भी तीन बीच में है, मतलब चार का डिफरेंस है। इसी तरीके से हम हर किसी सीरीज़ को चेक करेंगे, बी और एफ़ का भी आप चेक कर लो, एफ और जे में भी चेक कर लो। ठीक है, तीन तीन बीच में आ रहे, प्लस चार हर में। तो अब हम देखते हैं हमारा जो ऑप्शन है DHLQ। DHLQ में क्या है, इन ऑल अदर केसेस द सिक्वेंस इज +4 +4 +4। अब डी और एच में तो ठीक है, +4 आ रहा है, एच और एल में भी +4 आ रहा है, मगर एल और क्यू में +4 नहीं आ रहा। एल अगर क्यू में हम देखेंगे तो वहाँ पर पी आना चाहिए, मगर यहाँ पर क्यू दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो डी है हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द गिवन सेट। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसमें 7 है, 56 है और 70 है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमने ये देखना है कि इनमें कौन सा अल्टरनेटिव जो है, कौन सा अल्टरनेटिव है तो और कौन से सिमिलर है। तो हम एलिमिनेशन के मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पहले मैं समझाने के लिए आपको ये कर रहा हूँ, 7 8 56 +14 करेंगे तो 70 होगा। तो हमको इसको देख कर, जो सेट दिया गया है हमको इसको देख कर ये पता चलता है कि 7 8 56, हमने इसमें +14 किया तो 70 हो गया। अब हम अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए, अब जो भी है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 9 8 72 72 में हम +14 करेंगे तो क्या आएगा, 80 तो नहीं आता, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब इसमें अगर 72, अगर इसमें हम 14 ऐड करेंगे एलिमिनेशन के थ्रू करेंगे हम, जैसे 54 है, इसमें 14 करेंगे तो लास्ट पे 8 आएगा, मतलब ये भी नहीं है। तो हम इसे चेक करते और एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। 2 में लास्ट पे 14 ऐड करेंगे, 4 करेंगे तो ज़रूरी है कि 6 आएगा लास्ट पर, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो एलिमिनेशन के मेथड से बिना सॉल्व किए हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, बस मिडिल टर्म को देख लो और देख ले, हम करके भी देखते हैं। 8 8 64 +14 हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 78 आएगा। तो ये आसान तरीका है एलिमिनेशन से, अपना टाइम बचाने की कोशिश करनी चाहिए इन क्वेश्चंस में, बहुत इंपॉर्टेंस है टाइम की। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, फीडबैक ज़रूर दिया करो। देखिए, हमारे पास एक कोड दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये केस के एग्ज़ाम की बात करूँ उनमें
तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक कोड दिया गया है जिसमें कि डॉग को लिखा है 433, तो बोला है कि कैट के लिए क्या कोड होगा। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, डॉग है जो डी है वो चौथे नंबर पे है, ओ का नंबर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी डी के चार चार सेट बना रहा हूँ, ए बी सी डी, इनको 1 2 3 4, 1 2 3 4 करके लिख रहा हूँ। अब हम चेक करते हैं क्या मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। देखिए डॉग का कोड है D4, ठीक है। अब ओ का हम कोड देखेंगे, DOG में लिख देता हूँ, इसके नीचे 4, देखिए 4 है और 3 3 है इसका कोड। अब ओ का कोड देखेंगे, देखिए ओ जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। दोबारा से हम देखेंगे, ओ भी तीसरे नंबर पे है और जी भी तीसरे नंबर पे है। ई एफ जी एच में आप चेक कर सकते हो, देखिए ये भी 3 नंबर पे है। हाँ, तो अब डी ओ जी, ये हमारे ये जो 3 है ये हमारे 433 कोड बन गया। अब इसी तरीके से हम देखेंगे हमारा कैट का कोड क्या होगा। देखिए कैट का कोड ए बी सी डी में हमको मिल रहा है 3 है यहाँ पर, ए का देखेंगे 1 है हमारा, और टी का है इसे जब हम एम एन ओ पी क्यू क्यू आर एस, फिर से दोबारा से टी की तरफ जाएंगे तो हमें ज़रूर मिलेगा 4, क्यू आर एस टी है चौथे नंबर पे आ रहा है, तो 314 इसका कोड है। कितने इजीली तरीके से हमने ये सॉल्व कर दिया। अब ये क्वेश्चन हमारा आर जी एस एस आर जी जी एस टी, तो ये जो गिवन ऑप्शन है तो बोला है नेक्स्ट इसमें जो नंबर होगा वो सीरीज़ में वो क्या होगा। देखिए अगर हम सीरीज़ को देखेंगे तो हमें क्या लग रहा है, आर से शुरू हो रही है, एस पे ख़त्म हो रही है, एस से शुरू हो रही है, जी पे ख़त्म हो रही है, जी से शुरू हो रही है, डी पे ख़त्म हो रही है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है जिससे शुरू हो रही है उसी से, जिस पे ख़त्म हो रही है उससे शुरू हो रही है। तो हम देखेंगे एस है पहला है जो एस, आर से एस पे, एस से जो जा रहा है वो मतलब जो पहला लफ्ज़ था उसी से शुरू हो रही है, जी है, फिर जी से जो अब होगी आर से शुरू होगी। तो हम एलिमिनेशन के मेथड से कर लेंगे, तो ये आर से नहीं शुरू हो रही, आर से नहीं शुरू हो रही, ये आर से शुरू हो रही है, इसको भी हम रखते हैं ऐसे, अगले ऑप्शन को देखते हैं। हाँ, तो एलिमिनेशन के मेथड से एक ही सीरीज़ ऐसी है जो कि आर से शुरू हो रही है, तो एलिमिनेशन के मेथड से हमने ये क्वेश्चन इजीली से सॉल्व कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके दिमाग में, ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, हर 10 क्वेश्चन अगर मैंने लिए या 8 क्वेश्चन मैंने लिए, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लिए है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपकी एनसीईआरटी बुक से है। देखिए इफ एच इज इक्वल टू 16 है, एच 16 है, एच इज इक्वल टू 26 है, तो हैन का कोड क्या होगा। देखिए तो क्या करेंगे हम, हैन का कोड हमें निकालना है। हमने ए बी सी डी लिख दिया है मैंने आपके सामने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। देखिए एच अगर 16 है, ठीक है, तो एच ई माइनस एच अगर हम करते हैं तो वो क्या है, 10 है, ठीक है ना। 26 माइनस 16 तो 10 होगा, तो यहाँ से पता चलता है जो ई का कोड है वो 10 है और हमें दिया भी गया है एच का कोड 16 है। अब हम ये देखेंगे ई और एच में कितना डिफरेंस है, एक तो एफ और जी दो बीच में आ रहे हैं। अगर ई हमारा 10 निकला है तो एफ जो है वो क्या होगा, एच तक पहुंचने के लिए हमको 16 पूरा करना है। तो हम अगर इसमें प्लस टू करेंगे, इसमें प्लस टू करेंगे और इसमें भी प्लस टू करेंगे तो हम 16 तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए कितने आसानी से हम ये करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि प्लस टू अगर आपको पता चल गया, यही इसमें एक ट्रिक है, अगर आपको ट्रिक पकड़ लोगे तो बहुत ईजी हो जाता है। ई का कोड हमको 16 मिल गया, एच का कोड हमें 16 मिल गया, तो हमें एफ का कोड देखना है वो 12 होगा, प्लस टू करेंगे तो ही वो 16 देगा एच, यानी कि हमें बेस पॉइंट को ढूंढ लिया हमने ई को। इसी तरीके से हमें जी का भी पता चल गया और हमारा एच का भी पता चल गया। तो हमें अब क्या देखना है, एन तक पहुंचना है, इसमें भी प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू एंड प्लस टू एन तक हम करती जाएंगे, तो 6 बार हमारे पास प्लस टू आ रहा है। तो यहाँ पर एच हमारा 16 था, 16 में 6 बार हम प्लस टू करेंगे, यानी कि हम इसमें 12 ऐड करेंगे तो हमारा पास एन जो है वो 28 आएगा, बस निकल गया हमारा आंसर। तो एच ई एन कितना होगा, एच ई जो था 26 प्लस इसमें एन की वैल्यू डाल देंगे 28, तो हमारा आंसर मिलेगा 2 2 ज़ 28 प्लस 26 होता है 54, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखिए सीरीज दी है 4 8 7 11 12 21 25 एंड 50 और डैश डैश डैश, हमें आगे का लफ्ज़ निकालना है, आगे का वर्ड, आगे का डिजिट कौन सा है। देखिए सीरीज़ को हमको देख कर लग रहा है इंक्रीज डिक्रीजिंग सीरीज़ है, 4 2 ज़ 8 होता है, 8 के बाद फिर से डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पहले इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज़ है। तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 होता है। अब हम 11 की बात करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 22 होता है, तो 22 में से हमें माइनस 1 करना है
तो हमें 21 मिलता है। बस हमने पॉइंट को पकड़ लिया कहाँ पर हमारा सॉल्यूशन लाई करता है, 25 इंटू टू 50 होता है, 50 में से माइनस वन करेंगे तो हमारे पास 49 होगा। तो हमारा ऑप्शन चेक करते हैं, 49 जी पहला ही ऑप्शन है। इसको मैं अच्छी तरीके से लिख लूँ, 50 माइनस वन क्या है हमारे पास, 49 है। तो हमारा आंसर निकल गया। हर कोई अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा और इवन ट्रिक्स भी लेके आऊँगा आपको कैसे सॉल्व करना है, ये तो आपके लिए एक आइडिया है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ बी सी डी ई, ठहरे से मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, वी डब्ल्यू एक्स वाई शायद बोर्ड से बाहर जा रहा है, ठहरे मैं आपके लिए नीचे को लिख लेता हूँ। इसमें बी सी डी ई वी डब्ल्यू एक्स वाई और डैश 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 क्यू आर एस टी, यानी कि बी सी डी ई का कोड दिया है वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड डैश डैश का कोड निकालना है कि कोड जो क्यू आर एस टी है वो किसके लिए है। तो हमने ए बी सी डी में हमने क्या देखा, हम बी सी डी को हम एक बॉक्स में मैं कवर कर लेता हूँ, यानी कि हमने एक भी एक लफ्ज़ छोड़ा है ए, तो वैसे ही हम लास्ट पे जो इन्होंने जेड छोड़ा है और उससे पीछे वाले जो भी है उसको मैंने बॉक्स में रख दिया, यानी कि ये इसका कोड बन गया। तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसे मैं एलिमिनेट करूँगा ताकि हमारी क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और ऊपर बी सी डी को भी मैं मिटा देता हूँ। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा, यानी कि हमने पीछे U छोड़ दिया है, जब इधर U छोड़ दिया तो हमें ऊपर भी एक F छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा क्यू आर एस टी के लिए, जी एच आई जे, तो जी एच आई जे है जो हमारा वो आंसर होगा। तो बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जी एच आई जे हमारा आंसर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब